महानायक अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर को लेकर जया ने एक बार एड्रेस किया था रूमर्स पर, जो कहा था आपको हमारी इस रिपोर्ट में ज़रूर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि इस सिलसिला फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान रेखा और अमिताभ की मोहब्बत से भरे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख जया फूट फूट कर रही थी। ये तो आप तमाम जगह सुन चुके होंगे, लेकिन जया ने कैसे अमिताभ को रेखा के साथ कोलैबोरेट करने से सख्त मना कर दिया था, इसे फिल्म के बाद सिलसिला के बाद ये भी सबको पता है। खैर, बता दें पीपल्स मैगजीन में जया के कैंडिड कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे। अमिताभ के रूमर्स, अफेयर रूमर्स पर जया बच्चन ने अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था अगर ऐसा कुछ होता, अगर अमिताभ का किसी के साथ अफेयर होता तो वो कहीं और होते ना, मेरे साथ थोड़ी ना होते। उन्हें बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन पसंद किया जाता था रेखा अमिताभ को लेकर, जया ने इनडायरेक्टली कहा। और अच्छी बात है, रेखा और अमिताभ को लोग पसंद करते थे ऑन स्क्रीन, ये अच्छी बात है। मीडिया ने उन्हें लिंक करने की कोशिश की, बाकी सभी हीरोइनों के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। मेरी ज़िंदगी भी पूरी तरह से नफ़रत होती है, अगर नफ़रत से भरी होती एक नर्क बन जाती अगर मैंने इस तरह की चीज़ों को सीरियस लिया होता। और हम सबको देखा जाए तो इस तरह भड़काया जाता है, लेकिन मैंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट 9 लाइव स्ट्रिप की रिपोर्ट।